लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा ने देश भर में सीटें बढ़ने और प्रदेश में मिशन 25 को लेकर दावा करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बताते हुए कांग्रेस की ओर से राजीव गांधी के मसले पर आपत्ति को भी गौरव जीव करार दिया। और एवन टीवी दिल्ली के संवाददाता प्रीत किरण ने जावड़ेकर से खास बातचीत की और आप भी सुने क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राजस्थान प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के, और अब किस तरीके के आगे की क्या तैयारी है, क्या लगता है कि जिस तरीके से 5 चरण में चुनाव हुए भाजपा के लिए पक्ष में रहा सब कुछ? बिल्कुल, भाजपा पुनः अपने बलबूते पर सत्ता में वापसी कर रही है। एनडीए के साथ हम 2/3 बहुमत ले रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज राजस्थान में भी आपने देखा कि शुरुआत में माहौल क्या था, और फिर जैसे लोगों का रुझान देखने को मिला, अब लोग भी कहने लगे कि 25 के 25 सीटें बीजेपी की आएगी, तो यही वास्तविकता है। और देश भर में वही है, और पूर्वोत्तर भारत में, बंगाल में और ओडिशा में हमारी सीटें बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगी, बाकी सब जगह की हम सीटें बरकरार रखेंगे, तो यही वास्तविकता है। राष्ट्रवाद के सर नाम पर चुनाव हुआ, आप मानते हैं कि देश भर में अभी भी राष्ट्रवाद एक मुद्दा है और जिसको लेकर बीजेपी जो है आगे बढ़ी? दुनिया में देश की सुरक्षा, ये किसी भी देश में प्रमुख मुद्दा रहता है, सुरक्षा का जहां मुद्दा होता है तो ये निश्चित रहता है। लेकिन देश की तरक्की और देश को कौन अच्छा सक्षम नेतृत्व देगा, इसकी भी ये चुनाव था। और नेतृत्व का, तरक्की का और सुरक्षा के प्रतीक मोदी जी बने, इसलिए मोदी जी के पीछे सारी जनता खड़ी हो गई। जो दूसरे पार्टियों को वोट दिया असेंबली में, वो भी सब लोग बीजेपी को वोट दे रहे इस बार, क्योंकि इस चुनाव के मुद्दे अलग थे और उन अलग मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है। जो सांसद है रामकुमार वर्मा, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। लेकिन ये कितना कभी किसी ने सोचा नहीं कि एक शेड्यूल कास्ट कपल को अगवा कर किया जाता है, महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, पीड़ित पुलिस में 2 मई को रजिस्टर जाते हैं लेकिन उनका एफआईआर दर्ज नहीं करते 4 दिन, इसलिए क्योंकि 6 तारीख को चुनाव है वहां, और 6 तारीख के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जाएगा अगर ये न्यूज सबके सामने आई, इसलिए दबाई जाती है। इसके लिए सीधे सीधे अशोक गहलोत जी के इंस्ट्रक्शंस थे, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, गृहमंत्री है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से अलवर में घटना हुई और सरकार की तरफ से स्टेप नहीं उठाए गए, और प्रशासनिक जो अधिकारी है, प्रशासनिक जो अमला है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी मानी गई। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली।